एम्स के लिए मैं जन आंदोलन छेड़ूंगा, बिहार सरकार केंद्र सरकार को बाध्य करूंगा कि सहरसा प्रमंडल मुख्यालय है यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स की स्थापना यहाँ पे हो। 79 एमएलए मेरा है, आपका 45 है, मेरे बल पे आप सरकार बना रहे हैं, चला रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी उपलब्धि है तो क्या आप भी कहिए मेरी उपलब्धि है? सबकी उपलब्धि है। नीतीश जी खड़ा है कि श्री दिनेश चंद्र यादव जी खड़ा है, उन्होंने क्या काम किया उसका मूल्यांकन हो रहा है ना। ऋण माफ़ किया जा रहा है पूंजीपतियों का, ये पूंजीपतियों की कठपुतली है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। सब लोग हमसे जैसे एक एक व्यक्ति अपने को उम्मीदवार मान रहे हैं और यहाँ से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन की लहर है। कोसी और सीमांचल इलाके का पिछड़ापन किसी से छुपा हुआ नहीं। अब तक यहाँ जितनी भी सरकारें आई सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आश्वासन ही दिया। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में है और मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी के उम्मीदवार कुमार चंद्रदीप को बनाया गया है। इस वक्त कुमार चंद्रदीप जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहा है। सर क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? समर्थन ही नहीं, अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है। हर जाति वर्ग के लोगों का, धर्म के लोगों का हमको स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। यहाँ से हम रिकॉर्ड बहुमत से जीत दर्ज करने जा रहे हैं, यहाँ कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ पे निवर्तमान सांसद आदरणीय श्री दिनेश चंद्र यादव जी अपने 5 साल के कार्यकाल में क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं कर पाए, चाहे स्वास्थ्य हो, सड़क हो, चिकित्सा हो, रोजगार हो, हर मुद्दे पर वे विफल रहे हैं। और यहाँ की जनता के बीच भी उनकी उपस्थिति नगण्य रही है। लोग बुरी तरह से आहत हैं और विकल्प की तलाश कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन पूरे देश में एक नया विकल्प के तौर पे सामने है। लोगों के सामने इंडिया की 10 साल की जो सरकार रही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व जो क्रियाकलाप हुआ उस सब के सामने है। आज देश बिक रहा है, संविधान खतरे में है, आरक्षण को भी समाप्त करने की साजिश हो रही है, सरकारी परिसंपत्तियों का निजीकरण हो रहा है, इवन शिक्षा का भी निजीकरण करने की सुनियोजित साजिश है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2035 है उसमें 2035 तक बाय द एंड ऑफ 2035 ऑल ए ग्रेड कॉलेजेस अप्रूव्ड बाय नैक वुड बी कन्वर्टेड इनटू ऑटोनोमस वन। तो उसके मतलब है कि उसको भी और वित्तीय सहायता उसको नहीं दी जाएगी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा, बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर जो बात है विकास और रोजगार, यही दो मुद्दा है। मैं किसी निगेटिव नैरेटिव में विश्वास नहीं करता, मैं पेशे से शिक्षक हूँ विगत 28 वर्षों से और पार्टी में 36 वर्षों से सांगठनिक कार्य से मैं जुड़ा रहा हूँ और मुझे राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा सामाजिक न्याय के प्रतीक श्री लालू प्रसाद यादव जी और युवाओं के हृदय सम्राट बिहार के 13 करोड़ जनता के महानायक लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उस पर भरोसा किया है। इस ऐतिहासिक धरती समाजवाद की धरती जो जननी है समाजवाद की, वहाँ से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, एक से एक मनीषी पैदा हुए। तो मैं इस क्षेत्र से विकास और रोजगार के मेरा नारा है। यहाँ पे सहरसा में मैं अभी हूँ, सहरसा में चिरलंबित मांग है, विगत 20 वर्षों से लगता है 2 दशक से चला रहा है कि रेल ओवर ब्रिज यहाँ पे एक बड़ी समस्या है। वो मतलब इतनी बड़ी समस्या है कि लोग रोज 1 घंटा 2 घंटा जाम में आते जाते फंसते ही हैं। वो मेरा पहला होगा सांसद में अगर निर्वाचित होता हो जनता के आशीर्वाद से, तो मैं वो उस काम को मैं कराऊँगा पूरी तरह से। दूसरी बात यहाँ जो NH 106-107 है वो भी आपका आधा अधूरा है, 7% 65% काम हुआ है लेकिन पूरी तरह से भी 20 साल से लगा हुआ लटका हुआ है। उसको भी निर्धारित समय सीमा के अंदर मैं सड़क परिवहन मंत्री से मिलकर धरना देके प्रदर्शन देके ज्ञापन देके, मैं प्रोफेसर हूँ लिखना पढ़ना जानता हूँ, उसमें मुझे पता है कि हाउ टू टैकल द सिचुएशन मैं कर लूँगा। दूसरी बात, तीसरी बात, मैं एम्स के लिए मैं जन आंदोलन छेड़ूंगा, बिहार सरकार केंद्र सरकार को बाध्य करूँगा कि सहरसा प्रमंडल मुख्यालय है यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स की स्थापना यहाँ पे हो, जिससे यहाँ के लोगों का कोसी के क्षेत्र के पिछड़ा इलाका है, चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ इलाका है, यहाँ सुदूर देहात के लोग, गरीब समाज के लोग, वंचित समाज के लोगों को पटना
या भागलपुर या अन्य दरभंगा जाना पड़ता है। दरभंगा में एम्स हुआ, वहाँ के लिए लोगों ने आंदोलन किया। क्या आदरणीय दिनेश चंद्र यादव जी ने कोई आंदोलन किया है एम्स की स्थापना के लिए? बताए कोई एक भी जनता बता दे, जदयू भाजपा के ही बता दे। क्या उन्होंने रेल ओवर ब्रिज के लिए कोई बड़ा आंदोलन किया है? नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे जैसे रेल कार सड़क ये बैजनाथपुर मिल है, पेपर मिल, उसका उस संसाधन का उपयोग दूसरे ढंग से किया जाना, मल्टीपर्पज़ कम्प्लेक्स वगैरह बनाए जाने की बात है, वो तो अलग हुआ। लेकिन रोजगार मुहैया कराने के, यहाँ पे लगभग 51% आबादी युवा है मधेपुरा लोकसभा में जो अभी सेंसस हुआ है, तो उसको रोजगार मुहैया उपलब्ध कराना है। हमारे जो 17 महीने की सरकार थी और उधर 17 साल की जो NDA की डबल इंजन की सरकार थी, उसको लोग तुलनात्मक अध्ययन करें और देखें 17 साल बनाम 17 महीने का क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। और जनता इस अंतर को हमसे बेहतर समझ रही है। हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव उपमुख्यमंत्री थे और आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव की रहनुमाई में, मार्गदर्शन में 5 लाख लोगों को रोजगार देने का लगभग बोल रहे हैं, एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोगों को रोजगार देने का काम किया गया। उसका सीधा वो हम लोग के एजेंडा में था। वो NDA के लोग जितना कह दे कि ये हमारा 7 निश्चय बाट 2 था, ये था वो था, जनता समझ रही है 17 साल में आपने क्यों नहीं किया। और जब हमारा महागठबंधन सरकार की वो उपलब्धि है उसको बताने लगे हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कि यह हमारी उपलब्धि है उसको, तो क्या भाई मैं 89 MLA मेरा है, आपका 45 है, मेरे बल पे आप सरकार बना रहे हैं, बजे चला रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ कि यह हमारी उपलब्धि है तो क्या आप भी कहिए मेरी उपलब्धि है, सबकी उपलब्धि है? तो उसको बड़ा बुरा लगा उन लोगों को। तो ये जो चीज़ है कि अपनी उपलब्धि को भी हम नहीं सराहें, अपनी मतलब कि जो मतलब कि सरकार की। उसके बाद दूसरा चीज़ है, सबसे बड़ी उपलब्धि जो कि माइलस्टोन मिल का पत्थर है कि स्वनामधन BP मंडल साहब इसी धरती पे हुए जहाँ से मैं मतलब कि आज प्रतिनिधित्व करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो BP मंडल कमीशन जो है वो 1931 के जनगणना पर आधारित थी जो 1990 में 9वें प्रधानमंत्री भारत के मतलब कि इतिहास पुरुष स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नेतृत्व से, मेरे पिता सांसद थे यहाँ से, डॉक्टर अभी 9वीं लोकसभा के रिकॉर्ड वोट से जीत के गए थे, तो वहाँ पे थे, तो उसी से मंडल कमीशन लागू हुआ था। तो वो जो है 1931 के जनगणना के आधार पर था। अभी का जो जनगणना जो है वो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी राज्य के द्वारा जाति आधारित जनगणना हुई है, जिसके आधार पर बिहार में आरक्षण का दायरा 60 से बढ़ाकर 75 किया गया। ये इट इज़ ए माइलस्टोन, मील का पत्थर जिसको कह सकते हैं, ऐतिहासिक उपलब्धि है। उसमें हर जाति वर्ग, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, महादलित और गरीब सवर्ण को भी फायदा होगा, वो हम लोग की उपलब्धि है। और वो हमारे नेता प्रतिपक्ष के रहते हुए उन्होंने प्रस्ताव दिया था तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को और उनको मानना पड़ा। बीच में अड़ंगा भी लोग डालने की कोशिश किए, भाजपा के लोग जो क्या कहते हैं अदालत के माध्यम से अटॉर्नी जनरल को खड़ा किए, बहुत सारी बाधाएं आई, उसके बावजूद भी हम लोग वो कर पाए निर्धारित समय सीमा के अंदर। 94 लाख लोगों को 2 करोड़ मिलेगा उसके तहत जो BPL श्रेणी में है, बहुत सारी उससे फायदा है। नीतीश कुमार मधेपुरा में आकर बैठ गए हैं, मधेपुरा सबको स्वतंत्रता है, मधेपुरा नहीं क्या हम करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारे सम्माननीय है, व्यक्तिगत संबंध मेरा अग्नि से बुरा नहीं है, मेरे पिता के छोटे भाई की तरह रहे हैं, आदरणीय लालू जी भी मेरे पिता के छोटे भाई की तरह रहे, उससे बड़ा भाई छोटा भाई का रिश्ता रहा है, आदरणीय शरद यादव जी भी हमारे नेता रहे, नीतीश जी से व्यक्तिगत संबंध मेरा अग्नि से बुरा नहीं है, यह सैद्धांतिक विरोध है, व्यक्तिगत विरोध थोड़े है, उनका मैं सम्मान करता हूँ। आदरणीय नीतीश कुमार जी वहाँ है मधेपुरा में तो अच्छी बात है, सामान्य न्याय की धरती, यहाँ से वो अगर कहीं मूवमेंट कर रहे तो मतलब कि इट मेक्स नो डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता जो है यहाँ से आदरणीय नीतीश जी खड़ा है कि श्री दिनेश चंद्र यादव जी खड़ा है, उन्होंने क्या काम किया उसका मूल्यांकन हो रहा है ना, तो काम उन्होंने नहीं किया है। और यहाँ पे अस्पताल है, एम्स की बात करें, मधेपुरा में BN मंडल विश्वविद्यालय है, उसके संस्थापक कुलपति मेरे पिता डॉक्टर अभी थे, 6 महीने के कार्यकाल में उन्होंने ऐतिहासिक काम किया, वो सबके सामने है। उसके बाद अभी जो विगत कई सालों से वह भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, वहाँ पे शिक्षक छात्र कर्मचारी करा रहे हैं, 3-3 महीना तालाबंदी है, एक बार भी क्या हमारे माननीय सांसद महोदय गए उसको आंसू पोछ रहे दुख दर्द जानने, तालाबंदी है, सभी छात्रों का भविष्य धर में लटका हुआ था, कभी नहीं गए।
यहाँ छात्र नेता है, सोनू है, क्या कहते हैं पावेल है, बिरला है, अमृत है, हिमांशु है, वसीम है, उन लोगों को जेल में डाला गया बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि छात्र परीक्षा भवन रहते हुए क्यों दूसरी जगह परीक्षा ले जा रहे हैं। तो क्या ये बच्चों का अपराध है क्या? इस छात्र आंदोलन की उपज ही आदरणीय लालू जी भी, आदरणीय नीतीश कुमार जी भी हैं या सुशील मोदी जी भी हैं, सब लोग छात्र आंदोलन से आए, ये छात्र आंदोलन कर रहे तो वो अपराधी हैं क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सांसद का क्या मतलब होता है? आप प्रयास करें ना, सुख दुख में साथ रहे ना, वो नहीं रही। उसके बाद फिर उसके बाद मधेपुरा मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे विशेष स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ चिकित्सकों का भी अभाव है, उसमें उसकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। पैरामेडिकल स्टाफ का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है तो उसको चलाने वाले ऑपरेटर की ज़रूरत है। और विकास और रोज़गार, यहाँ पे हम लोग 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का वादा हम लोगों ने किया है। 500 में हम लोग जो 1200 में अभी गैस सिलेंडर है वो 500 में देने का वादा कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा कर रहे हैं, और जो वादा हम लोग करते पूरा करते। जुमलेबाजों की सरकार नहीं है, 2 करोड़ नौकरी का वादा उन्होंने किया था, 5 साल में 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होना चाहिए। अभी 65 करोड़ लोग तो बीपीएल को अन्न बांट रहे हैं, प्रधानमंत्री अन्न धन योजना के तहत उनको बांट रहे हैं यार। 65 करोड़ लोग तभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, तभी ना बांट रहे हैं। तो क्या आपकी उपलब्धि है? यहाँ पे 25 लाख करोड़ ऋण माफ़ किया जा रहा है पूंजीपतियों का, ये पूंजीपतियों की कठपुतली है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। एक अंतिम सवाल है सर, सहरसा में एयरपोर्ट बना हुआ है, चालू नहीं हो सका, जो आप जनता के बीच जा रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं, वो वादा पे कितना खड़ा उतरने का काम आप करेंगे? एयरपोर्ट के लिए मैं वादा करता मैं प्रयास करूंगा। कहता है ना, सेटिस्फेक्शन लाइज इन अटेम्प्ट्स नॉट इन अटेनमेंट्स। कोशिशें कामयाब होती है, वायदे अक्सर टूट जाते हैं। मैं ईमानदार कोशिश करूंगा, और मैं जो कोशिश करूंगा या संघर्ष करूंगा तो वह लोगों को दिखेगा, जन आंदोलन का रूप लेगा। और यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे भी जो है पूर्णिया में है तो मध्य सहरसा में भी एयरपोर्ट हो, एक इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। पहला है तेजस्वी लालू जिंदाबाद, मधेपुरा का सांसद, यहाँ से मैं रिकॉर्ड बहुत, यहाँ पे VIP के भी मुकेश सहनी साहब आ गए हैं, उससे और हम लोग मजबूत हुए हैं। कांग्रेस CPI CPM माले राजद सभी 6 घटक दल के नेता और कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए, तन मन धन से लगे हुए हैं, हमको कोई परेशानी नहीं है। देखे चेहरे पे कोई शिकन है, सब लोग हमसे ज्यादा से एक एक व्यक्ति अपने को उम्मीदवार मान रहे हैं, और यहाँ से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन की लहर है, 40 में से 30 35 35 सीट तक हम लोग लेंगे, 5 सीट आ जाए उन लोगों को तो गनीमत है। और वहाँ पे भी 200 पार में उन लोगों को मुश्किल है, 400 पार का नारा नैरेटिव दिया जा रहा है, साइकोथेरेपी है वो है। सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, ये आप देख लीजिए।